छोटों को बहुत प्यार, बड़ों को प्रणाम और साथ वाले सारे भाई और बहनों को हेलो हाय नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपके दिल में प्यार है तो सामने वाले के दिल में है या नहीं, आप साथ रहना चाहते हो, सामने वाला साथ रहना चाहता है या नहीं, क्या यूनिवर्स ने डिसाइड करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, खूब सारी ब्लेसिंग्स आप सबको मिल रही होंगी, डिवाइन की, गॉड की, यूनिवर्स की, और अपनी लाइफ में आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं ज़रूर लिखिएगा। क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप लोग इस चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती हैं और एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या करना है, बहुत आसान है। पॉजिटिव हो जाइए, माइंड को बिल्कुल कूल कर लीजिए और जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनका इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और उनका नाम 3 बार अपने दिल में रिपीट कीजिएगा। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है, बाकी का छोड़ देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। ओके, सो तभी आप हमें मैसेजेस कीजिएगा। फ्रॉड से ज़रूर बचिएगा, हम ना तो किसी को मैसेजेस करते हैं ना ही किसी को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आता है किसी भी फ्रॉड आईडी से तो प्लीज़ एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ओके, सो चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है ना। अगर फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और कभी भी अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। चलिए देर किस बात की है, बहुत सारी बातें हो गई, शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम आपकी एनर्जीज़ को रीड करेंगे। आपकी एनर्जीज़ को कैच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज़ को हम कैच कर पाएंगे, आपके बारे में पास्ट प्रेजेंट समझ पाएंगे तो हम आगे की चीज़ें देख पाएंगे। तो चलिए पहले कुछ आपकी एनर्जीज़ को समझ के लेते हैं, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या हुआ है और क्या होने वाला है। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, लाइक ज़रूर करना है, अगर पॉजिटिविटी मिले तो शेयर ज़रूर करना है। सब्सक्राइब कर लिया है ना, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का, ब्लेसिंग्स आप सभी को मिलती रहेंगी। चलिए आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। आपके लिए पहला कार्ड मैं ओपन करने जा रही हूँ। पहला करें कि चलिए स्प्रेड लेते हैं और ब्लाइंड ओपन करेंगे आज। ओके, चलिए स्प्रेड ले लेते हैं, ब्लाइंड ओपन करेंगे और कार्ड्स को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। जो भी मैं कार्ड ओपन करूँगी अगर वो आपके साथ रेजोनेट करता है तो क्लेम कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड मैं जो ओपन करूँगी, नंबर 1 क्लेम कीजिएगा अगर वो कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है तो। चलिए फर्स्ट कार्ड हम ये ले रहे हैं। क्या अगर आपने यही कार्ड सेलेक्ट किया है तो नंबर 1 ज़रूर लिखेगा। क्या आ रही है आपकी एनर्जी? ओके, सो पहला ही कार्ड यहाँ आ गया है, लवर्स का कार्ड। बिंगो हो गया है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा लवर्स का कार्ड, क्योंकि जिसके बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। इतना भरोसा करते हो इस इंसान के ऊपर, इतना ट्रस्ट करते हो इस इंसान के ऊपर और सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार इसी से करते हो और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, ऐसा है? अगर है तो ज़रूर लिखेगा, लवर्स का कार्ड ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि जो लव एनर्जी जो पहले ही कार्ड में निकल करके आई है वो आपके लिए है। आपका प्यार पहले ही कार्ड में निकल करके आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं आप लोग कि आपकी ज़िंदगी में प्यार है, खुशियाँ हैं। और ठीक है, देखिए हर प्यार में, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं और एक उम्मीद ज़रूर है आपको इस पार्टनर के साथ कि ये आपको खुशियाँ देगा। आप भी
सब कुछ करने को तैयार हो, आप भी इसके लिए बहुत एफर्ट्स डालते हो, आप भी इस रिलेशनशिप में बिल्कुल गलतियों की गुंजाइश नहीं छोड़ते हो और अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हो और यही एक्सपेक्ट आप सामने वाले से करते हो कि जैसा प्यार, जैसा भरोसा, जैसा ट्रस्ट आप इसके ऊपर करते हो वैसा ही ये आपसे करे। ओके, सो नंबर टू हम कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से कार्ड, देखते हैं नंबर टू क्या आ रहा है। ओके, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड नेक्स्ट आया है। सो क्या आप भी जिंदगी को जिंदगी की तरह जीते हैं, खूब फन एन्जॉयमेंट लाइफ में हमेशा जो चल रहा है उसको एन्जॉय करते हैं, गोइंग विद द फ्लो, हमेशा फ्लो के साथ चलने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ज़रूरत भी नहीं होती ना दिमाग लगाने की, जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी ही आप चलाएंगे और पॉजिटिव ज़रूर करें लाइफ में, ज़रूर इस चीज़ के लिए काम करें कि आपका भविष्य अच्छा हो जाए। तो प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हैं ज़रूर आप फ्लो के साथ चलें, क्योंकि हमारा कोई भी जो भी हम सोचते हैं ना वो होता है ज़रूर है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी हमने सोचा और अभी हो जाएगा। सो फ्लो के साथ चलिए, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो और आपको ऐसा लगता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना ज़्यादा अच्छा होता है, नेगेटिविटी हमेशा घेरे हुए रहती है लेकिन नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमें ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। सो आप कहीं ना कहीं साथ आपकी लाइफ जैसी आपको चला रही है आप वैसे ही चलने की कोशिश करते हो। हाँ ये ज़रूर है कि उम्मीदें आपको बहुत होती हैं, जैसा आप गिव करते हो वैसा ही आपको रिटर्न में चाहिए होता है, होप रहती है हमेशा, लेकिन लाइफ में जो हो रहा है हर एक मोमेंट को आप एंजॉय ज़रूर करते हो। अगर ऐसा है तो क्लेम कीजिएगा गोइंग विद द फ्लो का कार्ड। नंबर थ्री देख लेते हैं, ये रहा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशंस। सो ये प्यार के बाद इस इंसान की जब से ये ज़िंदगी में आया है आपकी, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं, आपके अंदर इतनी लाइफ बदल गई है ना, पहले आपकी जैसे बहुत डल लाइफ थी, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं था इतना, मतलब वो डीप फीलिंग्स आपके अंदर नहीं थी। हाँ आप प्यार सर्च ज़रूर कर रहे थे, आप ढूंढ ज़रूर रहे थे ऐसा साथी जो आपको खुशियाँ दे सके, लेकिन जब से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है आपकी ज़िंदगी बहुत बदल गई है, आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद ऐसा आपने कभी और फील नहीं किया था जैसा आप अभी फील कर पा रहे हो। सो इस इंसान के साथ आप, इस पर्सन के साथ आप डीपली कनेक्ट हो चुके हो और प्यार ने, इसके साथ ने आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है और आप देखो आपकी लाइफ भी चेंज हो रही है और डेफिनेटली आपका टाइम भी चेंज होता चला जा रहा है। और हो सकता है पहले आप इतने चीज़ों को सोचते नहीं थे, इतना डीपली नहीं जाते थे या किसी के लिए इतना फील नहीं करते थे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा फील करने लगे हो और चेंजेस हो रही हैं आपकी एनर्जीज़ और आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके की चेंजेस आप में हो रही हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है ना। या तो आप कमिटमेंट चाहते हो या शादी करना चाहते हो या आप चाहते हो कि सामने वाला प्रपोज़ करे, सामने वाला अपने दिल की बात बोले, खुलकर बोले जो उसके दिल में है, छुपाता क्यों है, ये छुपाती क्यों है, अपने दिल की बात बताती क्यों नहीं है। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, ओके, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, बिल्कुल मज़े से बैठ करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आई है, जो खुशियाँ आई हैं, साथ ही साथ कुछ तकलीफ़ें भी आई हैं, कुछ परेशानियाँ भी आई हैं, लेकिन उसको भी आप ओवरकम करने की कोशिश करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है जैसी ज़िंदगी चल रही है चलाते हैं, है ना, और इस तरीके की बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, बदलाव आ रहा है और बदलाव ज़रूरी भी है। देखिए सब जगह सब चीज़ें एक सी नहीं होती हैं, बनती चीज़ें हैं बिगड़ती भी हैं, लोग आते भी हैं लोग जाते भी हैं, है ना, और जैसे सुबह होती है वैसे रात भी हो जाती है और रात के बाद फिर से सुबह आती है, तो ये प्रकृति का नियम है, नेचर है, ये सभी के साथ होता है। ठीक है, कार्ड नंबर फोर देख लेते हैं क्या आ रहा है। द ड्रीम। सो सपनों का जो इंसान है, सपनों में जिसके सपने देखे थे, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा था, क्या ये वही है? सो अगर है तो ड्रीम को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ड्रीम पर्सन ज़रूर लिखेगा कि यही है आपके सपनों का शहजादा या शहजादी। ओके, सो कहीं ना कहीं इसने आपके दिल को कैप्चर करके रखा है, आपके दिल के ऊपर बहुत काबू करके रखा हुआ है इसने। और कई बार देखो होता है झगड़ा, होता है लड़ाई, हर रिश्ते में होता है, आप दोनों के बीच में भी होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई क्या है ये, है ना, दिन रात उसके सपने आते रहते हैं, दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हो, ख्याल जाते ही नहीं है दिमाग से बाहर, परेशान हो चुके हो,
अगर लड़ाई हो गई है, डिफरेंसेस हो गए हैं, नो कांटेक्ट हो चुका है, बात नहीं कर रहे हो, गुस्सा हो चुके हो या वो गुस्सा है किसी बात को लेकर के, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में ट्रबल्स हैं, बट स्टिल आप इस रिश्ते से बाहर नहीं जाना चाहते हो, रीयूनियन ज़रूर क्लेम कीजिएगा। अगर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं या डिस्टेंसेस हैं, रीयूनियन क्लेम ज़रूर आपको करना है, ओके। सो ये जो आपके ड्रीम में है, ये जो आपके सपनों का शहज़ादा या शहज़ादी है, वो आपसे रूठा हुआ ज़रूर है या आप उनसे रूठे हुए ज़रूर हो, लेकिन जो ये चेंजेस आ रहे हैं, जो भी कुछ आपके दिल में है, वो ज़रूर पूरा होगा, डिवाइन से मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा। कार्ड नंबर 5 ले लेते हैं। वाओ, अमेजिंग रीडिंग आ रही है आज। देखिए सोर्स का कार्ड आया है, सो भगवान पे ज़रूर भरोसा रखिए। आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव है, जो बेस्ट है, वो ही आपको मिलेगा। सोर्स का कार्ड ये बता रहा है, खुद ब खुद सोर्सेस खुल जाएंगे, खुद ब खुद रास्ते निकल जाएंगे आपकी ज़िंदगी को आगे पॉजिटिव बनाने के लिए। सो अगर कोई भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में चल रहा है, सो सोर्स का कार्ड ये बता रहा है कि ऊपर वाले पे भरोसा रखो, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा और जो आपका नहीं है वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आप ज़रूर डिवाइन से कनेक्ट होइए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए। सोर्स का कार्ड यही आपको बताना चाहता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने वाला है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सो सोर्स को क्लेम ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पॉजिटिविटी मिल रही हो। नंबर 6 का कार्ड है, देखें क्या आ रहा है। नंबर 6, किसने ये, जिसने भी ये कार्ड क्लेम किया था, ये सेलेक्ट किया था, ज़रूर लिखेगा नंबर 6, ओके। ट्रस्ट करते हो, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो उस इंसान के ऊपर, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो उसके ऊपर, या आपने आंख बंद करके भरोसा किया, बस कूद गए इसके प्यार में, एक छलांग लगा दी लंबी सी कि जो होगा देखेंगे, अब कोई आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि देखो, कूद तो आप गए हो, टंगे हुए हो आसमान में, चाहते हो कि ये आपको कैच कर ले, ये आपको पकड़ ले, और आप चाहते हो कि जो ये विश्वास आपने इसके ऊपर किया है, ये कभी ब्रेक ना हो, कभी ये आपके भरोसे को ना तोड़े। सो ज़रूर आप कहते नहीं हो, या आपके दिल में है, या आप उतना एक्सप्रेस नहीं करते हो, या सामने वाला उतना एक्सप्रेस नहीं करता है, बट हाँ, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा भरोसा, प्यार और एक विश्वास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो चलिए क्लैरिटी लेते हैं, क्या चल रहा है इनके पर्सन के मन में। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, ड्रीम का कार्ड क्यों आया है, क्या है पर्सन के दिल में। पार्टनर तो, पर्सन तो ड्रीम कर रहे हैं, ओके, व्यूअर्स तो ड्रीम कर रहे हैं इस पार्टनर की। पार्टनर क्या सोच रहा है व्यूअर्स के बारे में, क्या है उनके ख्यालों में। सो क्लैरिफाई करते हैं, द ड्रीम का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताइए द ड्रीम का कार्ड क्यों आया है। चलिए, वाओ, एस ऑफ कप्स का कार्ड, ड्रीम का कार्ड क्यों आया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है, स्ट्रेंथ। वाओ वाओ, सो कार्ड आया है यहाँ पर लियो सिंह राशि। सोर्स का कार्ड क्यों आया है, सिक्स ऑफ कप्स, सुपर्ब। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है, ओके, टेन ऑफ कप्स। लवर्स का कार्ड क्यों आया है, स्टार। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सुपर्ब। ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है, थ्री ऑफ वॉन्ड, ओके। सो आप लोगों का, आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप लोग दूर से एक दूसरे से प्यार करते हो, हो सकता है सोशल मीडिया पे मिले हो, हो सकता है आप दोनों अलग अलग रहते हो, या फिर अगर साथ में हैं तो भी दूरियां हैं, हो सकती हैं, ठीक है, थीके? या फिर आप किसी कंट्री में हो, वो किसी कंट्री में है, और कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट ज़रूर बिल्ड हो रखा है आपका उनके ऊपर। वो भी लॉन्ग डिस्टेंस में ज़रूर है, और वो भी चाहते हैं कि भरोसा बना रहे, विश्वास बना रहे, ठीक है। ड्रीम का कार्ड ये बता रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, देखो 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 वो क्या सोच रहा है आपके बारे में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, सारी ही राशियां यहां पर आ चुकी हैं, ओके। सो क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है कि वो शायद संभाल भी नहीं पा रहे हैं, बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बहुत कुछ है इनके दिल में जो शायद दबा रखा है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो, कुछ इस तरीके की लाइफ में दिक्कत हो जो अभी दबा रखा है, लेकिन
आपको ज़रूर मैसेज करेंगे, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है इनका यहाँ पर। सो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रोमांस है इनके दिल में आपको लेकर के। और जहाँ देखिए, जहाँ एक होता है कि एक रिश्ते को हम नाम नहीं दे सकते हैं, इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन प्यार भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सो वो वाली फीलिंग्स इनकी आ रही है। भले ही आपके रिश्तों का आज नाम नहीं है, भले ही आपका रिश्ता आज मुकम्मल नहीं है, आप साथ नहीं हो, लेकिन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप है आपके पार्टनर को गोइंग। आप देखिए, आपको आप रिश्तों को जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हो, आप गोइंग विद द फ्लो करते हो, यही पार्टनर को लगता है ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप इतने स्ट्रांगली इस चीज़ को बिलीव करते हो कि जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने देते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसा हावी नहीं होते हो। ऑल्दो उनको, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हो, एक उम्मीद इनकी आपसे हमेशा रहती है। जब भी ये परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो ये आपको ढूंढ रहे होते हैं कि आप ही इनको केयर कर सकते हो, जितनी केयर आप कर सकते हो, जितना ध्यान आप रख सकते हो शायद कोई और नहीं रख सकता। सोर्स का कार्ड ये कह रहा है कि ज़रूर ऐसे सोर्सेस खुलेंगे, ज़रूर ऐसे रास्ते आपके ज़िंदगी में खुलेंगे कि आपके पार्टनर आपसे आकर के वापस मिलेंगे, आपसे मिलेंगे और अपने दिल की बात बताएंगे। सो सोर्सेस कुछ ना कुछ इस तरीके के ज़रूर आएंगे आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में, जो कि आप दोनों को वापस मिलाएंगे। सो प्रे कीजिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो चेंजेस आप लेकर के आ रहे हो, वो डेफिनेटली आप दोनों को एक करेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी आ रही है, जो आपकी लाइफ आगे आने वाली है, वो आप दोनों को बहुत जल्द एक करने वाली है। ये आपसे मिलेंगे, या तो शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर अपने दिल की बात आपको ज़रूर बताएंगे, एंगेजमेंट के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं पर दूरियां हैं, तो ये डेफिनेटली आपके पास ज़रूर आएंगे और रीयूनियन ज़रूर होगा आप दोनों का। लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके दिल में तो बहुत ज़्यादा प्यार है, और उसी प्यार को की वजह से ये आपको एक स्टार समझते हैं, एक ऐसा तारा जो चमकता है, रोशनी देता है, सुख देता है, शांति देता है, और एक स्टार हो आप, स्टार इनके लिए है ना। भले ही दूर है आज ये तारा, भले ही दूर है आज ये स्टार, लेकिन दिल में बसा हुआ है, मन में बसा हुआ है, बैलेंस बना के रख रहे हैं, बहुत चीज खुद को भी बैलेंस करके रखे हुए हैं। कहीं कुछ ऐसा ना कह दें कि आप रूठ जाओ, आप परेशान हो जाओ, आप दुखी हो जाओ। आपको दुखी नहीं देखना चाहते, आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते, आपको दुखी देख करके ये भी दुखी हो जाते हैं। भले ही देखो अपने अपनी किसी कॉम्प्लिकेशंस में फंसे हुए हैं, भले ही अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर है कि आप एक दिन इनको ज़रूर मिलोगे। जिस तरीके से तारे दूर होते हैं, चमकते हैं, लेकिन वो चमक हमें यहाँ भी दिखाई देती है। सो डेफिनेटली वो फीलिंग्स आपके लिए भी यहाँ पर है। ट्रस्ट दूर से है, लेकिन ट्रस्ट बना हुआ है, भरोसा बना हुआ है। सो चलिए और यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं थोड़ी सी। ओके, चलिए देखते हैं और क्या बता रहे हैं, क्या होने वाला है। अब डिवाइन प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। ओके, सन का कार्ड आ गया है। सो सन का कार्ड यही बता रहा है कि आपका प्यार ज़रूर मुकम्मल होगा, जो आपके सपने में है, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, क्लेम कीजिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ चलिए, समय के साथ आप चल रहे हैं, आप इनकी एक स्ट्रेंथ हो और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आ गया है। सो आपका प्यार ज़रूर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि एस ऑफ कप्स दो बार रिपीट हो गया है। सो ये आपका पार्टनर कहीं नहीं जा रहा है, आपके पास लौट करके ज़रूर आएगा। और देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशंस आ रही है। ओके, सो सोर्सेस का इंतज़ार कीजिए, ज़रूर आपकी लाइफ में वो आपको आकर के मिलेंगे। और इनके दिल में जो कुछ भी है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो एक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी चीज़ इनके दिल में छुपी हुई है, वो आपको ज़रूर आ कर के बताएंगे। हो सकता है अभी आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हों, हो सकता है अभी दूर हों, कमिटमेंट नहीं दे रहे हों, बट बहुत जल्द आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करेंगे यहाँ पर आकर के। सो बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। आप एक फैमिली बनाना चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, साथ चाहते हो, तो मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा। मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है कि अपनी मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रांगली
कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स तक ज़रूर पहुंचाइए। लवर्स को देखिए, वो हो फो लवर्स को क्लैरिफाई करते करते लवर्स का कार्ड फिर से आया है। सो आप क्या कहें, क्या कहें क्या कहें और क्या क्लैरिटी चाहिए आपको। आई होप आपके दिल को सुकून ज़रूर मिल रहा होगा ये वीडियो देख करके, क्योंकि लवर्स, आप लवर्स देखो, आपके दिल में इतना प्यार है, इनके दिल में इतना प्यार है, तो आपको साथ होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको ज़रूर इनका साथ मिलेगा, इनका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो देखिए, ट्रस्ट बनाए रखिए, आप भी इनकी यादों में हो, आपसे भी ये कनेक्टेड हैं, भले ही अभी दूरियां हैं लेकिन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके ही ख्याल इनको आते रहते हैं। सो बहुत जल्द आप दोनों का रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो तो। सब्सक्राइब कर लिया है सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी रीडिंग्स हैं चैनल पर, चल के देख लीजिए। ओके सो चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप देखना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ जा कर के आप और रीडिंग्स देख सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा उस चैनल को भी। सो अपना प्यार देते रहिए वीडियो बुक्स को, अपना प्यार देते रहिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।